और ये 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ, फिर 2019 में हमने मेहनत की, रोड सड़क पे आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के लिए वो नोटिफिकेशन पीएमसी से आया कि ये डबल हो गया और ये कमेंट ने किया कि नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारा हमने वो किया है कि डिसीजन में हम नए साल के लिए नोटिफिकेशन करेंगे। लेकिन इस साल हम जो मेडिकल स्टूडेंट के पास थे, स्टैंडिंग कमेटी के पास थे, वहाँ पे जो प्रेजिडेंट है पीएमसी सत्ता जी से उसने क्लियर कर दिए, इनकार किया कि हम मजीद ये कोटा डबल नहीं कर सके हैं। और इसी साल आप लोगों की जो एडमिशन है वो सिंगल कोटा पर हो जाएगी। लेकिन अब ये जो इनके जन्म के हिसाब से मतलब ये कैबिनेट डिसीजन है, प्राइमरी से कि आप इसे हमारे साथ लेटर मौजूद है, आप इसे लेटर हो चुके हैं कि ये कोटा डबल है, वो प्राइमरी से की जो डिसीजन है उसको उसने एक तरह की मतलब ये दुनिया किस तरफ जा रहा है, मतलब वो जानते हम अभी तक ये अमेरिका पे या वो है, ये इसकी वजह अगर हम मतलब एजुकेशन सेंटर पर तवज्जो दिए जाए, तवज्जो देते हैं। आपने कहा कि एक साल के लिए कोटा बढ़ाया गया है, दोबारा उसको बंद किया गया, बच्चों आज भी बताई है फंडिंग नहीं है, क्लासेस नहीं, किसी सीट्स नहीं है, कॉलेज में क्या कहेंगे? जहाँ तक बात है मैंने कहा अगर ये डबल नहीं किया गया तो तकरीबन 167 स्टूडेंट ये सिर्फ नहीं बल्कि 167 फेल्ड टार्चर होते हैं। कौन कौन से पूरे पाकिस्तान में 136 सीट से इस तरह पंजाब में 103 भी।